हेलो माय लवली सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर आज हम करने वाले हैं आपके ज़िंदगी में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए, ओके। हम सारे जो भी आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उन सभी के बारे में पूछने की बात करने की कोशिश करेंगे। टैरो से हम पूछेंगे कि हमें क्या जवाब मिलता है, गाइडेंस भी लेंगे आज हम, ठीक है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ओके। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, तो प्लीज़ ओपन माइंड करके देखें, क्योंकि फाइनली क्या होना है सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। जो भी पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, मैं चाहूँगी कि वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत जल्दी अप्लाई हो जाए, आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, नेगेटिविटी हमेशा के लिए रिमूव हो जाए, ठीक है। हम यहाँ पर आज बात करेंगे आपके करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। सभी जोडियक साइन के लिए रीडिंग होने वाली है, ठीक है। रीडिंग थोड़ी सी अलग है, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको इस रीडिंग की ज़रूरत है। आपके लिए गाइडेंस भी मिलेगी, आपको ठीक लगता है तो आप ज़रूर उस गाइडेंस को मानिएगा, ठीक है। रीडिंग हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन आप गाइडेंस इसकी ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, ओके। मेरे कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टक हैं, तो ठीक है, आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। स्पिरिट ऑफ डिवाइन गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं कलेक्टिव लेवल पर, प्लीज़ हमारे सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। आर्केंजल माइकल, आर्केंजल गैब्रियल, आर्केंजल यूरियल, आप में से किसी को आई इन्फेक्शन हुआ है तो प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें अपना, ओके। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, प्लीज़ हमें बताएं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, फाइव ऑफ कप्स, ओके। मेरे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका मन शांत नहीं है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी चीज़ें खोने का डर है आपके दिल में, ख़ास तौर पर आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से डरे हुए हैं, खोने से तो आप काफ़ी ज़्यादा डरते हैं चीज़ों का सामना हालात का सामना नहीं करते। देखिए, हालात का सामना नहीं करते, हमेशा सच्चाई का एक्सेप्ट नहीं करके उससे पहले तो आप थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं सच्चाई से। इसका मतलब कई तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करना सीखिए चीज़ों को, सिचुएशन को, घबराना नहीं है, उदास नहीं होना है, ओके। दो कार्ड्स हैं हमारे पास, यस। मैंने आपसे यही कहा, अभी काफ़ी ज़्यादा भागते हैं तो आपको सच्चाई से भागना नहीं है, ठीक है। हमेशा आर्ग्यूमेंट करने का मूड रखना अपना, या फिर लोगों से आर्ग्यूमेंट कर जाना, इसको थोड़ा सा अपने आप को आपको चेंज करना होगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए बात कर रही हूँ, क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं ये मैं रुक कर बताऊँगी आपको, ठीक है। आपको सबसे पहले तो अपना मन शांत करना होगा। द हायरोफेंट, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, या तो वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप दोनों के बीच में कास्ट रिलेशन का इशू है, एज के पे एक सिंगल है एक मैरिड है, कुछ इस तरीके से हो सकता है। आप मैरिड हैं, किसी सिंगल पर्सन से डील कर रहे हैं, आप सिंगल हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है। इसी सब की वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है, ख़ासतौर पर रिलेशनशिप के बारे में, कि आपको करना क्या है, ओके। देखते हैं क्या कार्ड है। फैमिली इश्यूज़ भी हैं, ओके। पेज ऑफ कप्स, ओके। हमें कुछ कार्ड्स की और ज़रूरत पड़ेगी तो हम कार्ड ज़रूर लेंगे। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और सेम चीज़ आपके पार्टनर के लिए भी है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपकी लाइफ में क्या बड़े चेंजेस होने वाले हैं, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, हम इसी के लिए आज रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा,
ना कि उन चीज़ों को सोचकर हमेशा रोते रहना होगा कि आपकी लाइफ में क्या बुरा हुआ है। इन सब चीज़ों को सोचना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। इन सब के चक्कर में आप क्या करते हैं, जो चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही होती हैं उसे आप इतना नेगेटिव ले लेते हैं कि वो सब चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं और आपकी ज़िंदगी से पॉजिटिविटी चली जाती है और आखिरी में बचती है नेगेटिविटी, उदासी, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों से बचना है, ओके। आपके सामने कुछ ऐसे बड़े खुलासे हो सकते हैं, मतलब कि आपके रिलेशनशिप को लेकर, या आपकी आप अपने पार्टनर अगर बिजनेस करें तो आपके बिजनेस पार्टनर से किसी ऐसे अपने के खुलासे हो सकते हैं, या फिर उसकी सच्चाई ऐसे सामने आ सकती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर सकती है। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकती हैं। हो सकता है आप किसी इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच के बैठे हैं लेकिन वो पर्सन वैसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपके कुछ ऐसे रुके हुए से काम भी हैं जो यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़े स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, थोड़ा अपना मन को शांत करना सीख जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में ठहराव आएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी ऐसी खुशखबरी आने वाली है जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा उदास भी हैं, ठीक है। आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ओके, और आप चीज़ों को लेकर भी खोना नहीं चाहते हैं। इवन आप पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते थे या तो पहले, अब थोड़ा संभाल कर रखने लगे हैं, या अभी आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपको संभाल कर पैसे रखने की ज़रूरत है, मतलब आपको सेविंग्स करनी ज़रूरी है, ठीक है। किसी के साथ भी आप पार्टनरशिप में हैं, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपका कोई बैंक लोन आपने अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से मुझे लग रहा है कि वो क्लियर होने की पूरी पूरी मतलब संभावना है कि हाँ वो पूरी तरह से वो लोन क्लियर हो जाएगा। कुछ EMIs हैं वो पूरे तरीके से, थोड़ी ऊपर नीचे प्रॉब्लम होगी लेकिन वो पूरी हो जाएंगी। सच्चाई से आपको भागना नहीं है, सच्चाई का सामना करने के लिए इंसान को स्ट्रांग होना पड़ता है। आप स्ट्रांग नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। सच्चाई से भागना नहीं है, सच्चाई का सामना कीजिए। अपने लिए, अपने अपने रिश्ते के लिए, अपने लिए अगर लड़ना पड़ता है तो गलत नहीं है, ठीक है, ओके। मतलब ऐसा भी नहीं कि सामने वाले से जाकर के एकदम झगड़ा करना शुरू करते, ऐसे नहीं, थोड़ी समझदारी रखनी होती है, थोड़ा ठहराव रखना होता है। कोई इंसान आपको कुछ कह रहा है, आप उसे कब तक दूर भागें, भागकर उसका सामना करना सीखिए, सामना करना ही होगा, ओके। यहाँ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी नई शुरुआत होने वाली है। अगर आपके पार्टनर भी इस तरह के थे कि वो ये समाज सोसाइटी का सोचकर, एज गैप, ये सब चीज़ें सोचकर शुरुआत नहीं कर रहे थे, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे रिश्ते में, तो वो फिर से नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके करियर में, रिलेशनशिप में इस वक्त टावर मूवमेंट चल रहा हो सकता है। देखिए ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो जितने समय बाद भी आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे, ओके। जिस वक्त आप ये रीडिंग देखेंगे हो सकता है उस वक्त आपकी लाइफ में ये चीज़ चल रही हो, ऊपर वाला ना करे, ये चीज़ होने वाली हो तो आप पहले से ध्यान रख सकते हैं, इस रीडिंग से गाइडेंस ले सकते हैं, ओके। ऊपर वाला नहीं करे कि कुछ नेगेटिव चीज़ हो, फिर भी टैरो से आप गाइडेंस ज़रूर ले सकते हैं। तो ये टावर मूवमेंट अभी आप उस टाइम पे आपके चल रहा होगा, जैसे कि अभी आज ही जो लोग रीडिंग देख लेंगे तो ये टावर मूवमेंट आपके करियर से, आपके जो करियर में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपका जॉब नहीं है, आपके फाइनेंसेस ख़राब हैं, रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट चल रहा है, तो जिस भी तरीके का टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए हैं, अगर आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप की वजह से ख़ास तौर पर, तो आपके पार्टनर डिसीज़न लेने वाले हैं कि उन्हें आपकी तरफ आना है। वो उन्होंने रिसेंटली बात किया है आपके लिए यहाँ पर कि वो आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, वापस से प्यार ऑफ़र करेंगे, समाज, सोसाइटी, फैमिली से परे हटकर वो आपके पास आएंगे, एक कमिटमेंट दे सकते हैं, प्यार ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है आपसे अलग होकर कि कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं, ठीक है। मेरे जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो ये जानते हैं कि वो अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहे हैं क्योंकि आप उन्हें गाइड करते थे, उन्हें समझाते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने भी आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया है, आपको सपोर्ट किया है, लेकिन सिचुएशन की वजह से ये जो चीज़ें आई हैं उसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे थोड़ा अलग हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छे बड़े बदलाव है कि टावर मूवमेंट ख़त्म होने वाला है, लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है आपकी। रिसेंटली आपको एक कहते हैं ना प्रमोशन भी मिल सकता है, ठीक है, या प्रमोशन के लिए आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है, जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया होगा, वहाँ से भी नई शुरुआत हो सकती है। जो लोग जॉबलेस हैं उनको अच्छी जॉब मिल सकती है, जो लोग अनमैरिड हैं मैरिड, मतलब मैरिड, जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ उनके रिलेशनशिप में से टावर मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा, जो सिंगल हैं
उनके रिश्ते में नई शुरुआत होगी, ट्रैवल मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर आपको अपने आप में थोड़े बदलाव करने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस सबकी रीडिंग पसंद आई है। गाइडेंस अगर आपको ठीक लगता है आप ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। फिर भी आप सब लोग मुझे कमेंट में पूछते हो कि आपसे कैसे बात की जाए, तो भाई एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। ठीक है, अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।